टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम के मेजबान सिद्रा मुनीर। नाजरीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम मौजूद हैं जी शाहदरा के इलाके में और शाहदरा के मेन बाजार में, जहां पर रूटीन में तो रश होता ही है, लेकिन आजकल रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लोगों की जानिब से ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। लेकिन इस सूरत हाल में कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ईद की तैयारी करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, आज के प्रोग्राम में लोगों से बात करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, क्योंकि ईद में बहुत कम रोज़ बाकी रह गए हैं। तो हमारी जो बहनें हैं, बाजियाँ हैं, हमारी माएँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबकी कोशिश है कि पसंद की चीज़ें जल्दी जल्दी खरीद ली जाए। आ जाइए, लोगों से बात करते हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ये बताइए कि क्या क्या खरीदारी हो गई है? गुंजाइश के मुताबिक खरीद किया सब कुछ जी। ईद की तैयारी कितना आसान है इस वक्त, कितना मुश्किल? हाँ जी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है महंगाई के हिसाब से। बाजार महंगा या मुनासिब है? मुनासिब है, मुनासिब है जी जी। अच्छा, अपने कपड़े बन गए या अभी? नहीं, खुद के नहीं बनाए हैं, बच्चों के बनाए हैं। बच्चों के बन गए जी। और क्या फरमाइशें हैं बच्चों? खास नहीं है, सब्र वाले बच्चे हैं, तो पता है घर के बच्चे सबको दे। हाँ जी, दीन की समझ वाले बच्चे हैं, एक बेटा इतकाफ में है जी। हाँ जी, 18 साल की उम्र है, यूनिवर्सिटी जाता है, ठीक कर रहे हैं वो, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर है, लेकिन वो दीन की समझ वाले हैं तो इतकाफ में बैठा है, ठीक है। बेटी भी जो है वो यानी कि बजट में रह के जो है सब कुछ माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे ये बताइए कि ईद करीब आती है तो महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है? किसी हद तक, किसी हद तक, वरना ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, क्योंकि देखिए कि महंगाई है और लोगों के हालात ऐसे हैं, तो वो जो है कर रहे हैं कि गुंजाइश के मुताबिक जो है सब कुछ दे दिया जाए। ठीक है जी, गुंजाइश के मुताबिक हमारी जो बहनें हैं, हमारी बाजियाँ हैं, चीज़ें खरीदने की कोशिश कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी आपा? शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। जूता पसंद आ गया? महंगाई बड़ी है, ये हमारी आपकी दुकान है चूड़ियों की? हाँ। क्या बात है, आपने चूड़ियाँ महंगी कर दी हैं, सस्ती हैं? पीछे महंगी आ गई है, इसकी वजह से भी तो आप लोग बहुत महंगाई? नहीं, ऐसी नहीं महंगाई की थी, उन्होंने लोगों ने की थी। हाँ, कहते तो हम ऐसे ही हैं, लेकिन ये जूतों वाला भाई जूते महंगे कर देगा, चूड़ियों वाली बाजी चूड़ियाँ महंगी कर देगी। उतो आदि ना दसा ही शायद 5 रुपये दस दियाँ ने, 5 रुपये दस दियाँ ने, तो उत्थे असीं करिए कि ना बहस करन जोगे, ना असीं चंगे मिलदे, सलाम करन जोगे ऐ बीबी नहीं बारा खाने, वह भी मजबूर ने, महंगाई किन्नी है, मजबूर ने। ईद पे दिल तो चाहता है कि चूड़ियाँ हों, हर किसी का करता है, फिर हम मजबूरी है लोगों की। अच्छा, काम कितना पहले कितना होता था, अब कितना? पहले बड़ा होता सी, हुण नहीं है। कब हो गया? हाँ, महंगाई की वजह, अब नहीं चूड़ियाँ पहनी जा सकती। हाँ नहीं, गरीब बंदा कितों करे। आपने कपड़े बना लिए? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, वो तो सब कुछ ही है, पर माड़ियाँ का सोचिए तो फिर अपना होंगे है, किस तरह कमाई करी थी, बड़ी औखी होगी। इस तरह ही उन्होंने भी बंदे लिया के देंगे ने, तो बेचारे सिसकियाँ लेंदे ने, तो साडा काम है, असी तावन करा दे, वो करे तो जो साढ़े पिछले ही तावन करते, असं कई तो फ्री भी देने, माड़ा बंदा होंगे इन्हें कोई गल कि दिल सब का एक जैसा है, तो तेरी लख तनखा है ना, तेनू अपनी ना पा गए, जो बेचारियों की दस नाले तो दस नाली बिल्कुल ऐसा ही है जी, है ना पुत्र, बस फिर ऐसी सारा कुछ ही है, समझ लै भाई साहब, क्यों इतनी महंगाई कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे, पीछे से बहुत महंगाई है। हाँ जी, जाने हूँ तो जाना नहीं, थले आना नहीं, पहला इमरान खान रोंद सन, हूँ शबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हूँ अल्लाह जाने मरियम नवाज ने की करना, तो लोगों को यह बहुत प्या है। आपको क्या लग रहा है, महंगाई टूटेगी, कम हो जाएगी आने वाले वक्त में, या मुश्किल जानता है? वह तो मालिक नहीं पता है, या उन्होंने पता है, उपर वाला ही जानता है, तेरे दिल च की है तो मेरे च की है, जो तू साफ है तो मैं नहीं, मैं भी सही है, आई ना समझ, तो बेटा इस तरह आवे, इन दिनों इन्ना रश होता कोई साफ नहीं, तो हूँ वेख लो दिनों में जी बड़ा रश होता है, लेकिन आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। चूड़ियाँ खरीदी? जी हाँ, अभी तो चूड़ियाँ हमें पसंद नहीं आई, है रेट पसंद नहीं आया? नहीं पसंद नहीं आई, वैसे ली तो है पर अभी पसंद नहीं है, खास नहीं है इतनी, वैरायटी वही है, वैसे नहीं हमें मिली। आपको क्या चाहिए?
हमें मलाई चूड़ी चाहिए जो कराची की है और वो बेसिकली आपके लाहौर में चूड़ी नहीं मिलती, वो कराची में ही मिलती है। आप भी तो इतनी बड़ी बड़ी कराची की फरमाइश। कराची की हूँ ना, दरअसल बात ये जहाँ की मेरी रिहाइश है मैंने वहाँ पे ये, फिर आपको पता है मैरिड के बाद इतनी है हमारी ये चूड़ियाँ, मुझे इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि कोई मुझे, मैं कहती हूँ जितनी मर्जी दे दे मेरा दिल नहीं भरेगा। आई लाइक चूड़ियाँ, चूड़ियाँ बहुत पसंद है मुझे। कपड़े बन गए, कपड़े बन गए, कपड़े जोड़े बन गए, पांच बने हैं अभी तो, पांच जोड़े बन गए, बन गए माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात, सारे रेडीमेड लिए। अच्छा पांच जोड़े किस किस रंग के? एक वाइट कलर का है, एक मस्टर्ड कलर का है, एक ब्लू कलर का है, एक बीपी पिंक कलर का है, एक ब्लैक कलर का है। अच्छा और अब चूड़ियाँ किस किस के साथ ले ली है और क्या रहता है? चूड़ियाँ चूड़ियाँ चूड़ियाँ, अभी तो चूड़ियों की तरफ कोई फरमाइश ही नहीं ना जा रही। बाबा के साथ क्रीम पार्क गए तो उसे पसंद की है, मगर अभी ज्यादा नहीं मुझे मिल गए। अनारकली गए, अनारकली से भी पसंद नहीं आई? नहीं, अनारकली में तो बहुत खूबसूरत चूड़ियाँ मिलती, फिर के आई हूँ मुझे वहाँ पर कुछ भी पसंद नहीं आया। हम दोबारा यहाँ पर वापस आए हैं, यहाँ से मुझे 200 पसंद है, वो मैंने ले लिया। दरअसल जो इंसान की चॉइस ना देख के चीज़ पसंद आ और सिलेक्ट कर ले, लगे लगे तो बंदा फिर पैसे ना देखे, तो वो चीज़ होती है हमें दरअसल पसंद ही नहीं आ रही। हमने कहा चलो विजिट कर लेते उसके बाद घर, बाय बाय। ओके फिर कितना टाइम हो गया इतनी शॉपिंग चल रही है, इतने मंथ हो गया जब फर्स्ट रमजान शुरू हुआ था जब से मैं ले, अभी मेरे बाबा मुझे कह रहे हैं, कहते हैं कि तुमने क्या लेना, मैं कभी मैंने लिया गया। सोच रहे हैं कि हम अनार के लिए क्रीम पार्क से मेहंदी लगवाएं, इंजेक्शन वाली मेहंदी, कंफर्म करने आए मेहंदी का भी पूछने आए। इन्होंने कहा कि वो पिछले मस्जिद वाले गली में भाई बैठते हैं, उनसे टाइम ले लो, उनसे टाइम कार्ड वगैरह लेने, उन्हें घर बुला लेने, सिंपल। इकलौती इकलौती ना, तो मेरी तो इसलिए सब ख्वाहिशें पूरी होती हैं। दोनों बेटियाँ हैं आपकी? ये बेटी है, ये भतीजी है। अच्छा बेटियाँ ही हैं दो? हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि महंगाई लगती है या फिर नहीं? अगर रश की नहीं लगती, जितनी चीजें अच्छी लगेगी नहीं नहीं, अगर देखें अगर एक साल में खुशी आती है फिर बच्चों के आगे कोई महंगाई नहीं है। अगर देखा जाए तो महंगाई अगर है, अगर हम सोचते हैं फिर इतनी गाइडलाइन का रश ना हो, फिर ठीक। अगर महंगाई है तो फिर तो रश ही ना हो बाज़ारों में, फिर बाजार में रश ना हो, लेकिन नहीं है महंगाई। आपको नहीं लगती? नहीं, पैसे पास है, पैसे नसीब से अल्लाह ने देने, क्योंकि बच्चियाँ रहमत हैं और मेरे अल्लाह और अल्लाह के नबी ने प्यार किया, तो इन पे जितना लुटाओ साल में या आगे पीछे बेसिकली वो काम है। अच्छा आप कह रहे थे बच्चों को लगती है महंगाई, बच्चों को कहाँ पे महंगाई लगती है? पॉकेट मनी कम, बच्चों की अगर अपनी पॉकेट मनी प्लस की हुई हो ना तो फिर महंगाई लगती है, बच्चों को लगती है। आज मैं अपने पैसे लेकर तो मुझे लग रही है मेरे पैसे खर्च होंगे। कितने पैसे लेके आए हो अपने? 5,000 लेकर आई हूँ, वो मामा को कराए और फिलहाल मेरे पास 500 है। आप लोगों को खुद ही शॉपिंग करवाएंगे, आपसे पसंद करें, इसलिए हम अपने आधे पैसे घर छोड़ के आएंगे, ये करवाएंगे पॉकेट मनी के लिए। सलाखियाँ भी चल रही है साथ साथ, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बड़े सारी फैमिली अच्छी है। मैं जहाँ भी जाऊँ ना मेरी हर तरफ चूड़ियाँ चूड़ियाँ, मेरी नानों की तरफ भी चूड़ियाँ पहन कराती हूँ, हमारे से कराऊंगी। रिश्ता भी ढूंढ रही है आप? नहीं वैसे ही एक जो। ओके आप ही, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। आपा कोई भी नहीं है यहाँ पे? हाँ तो यही है ना बात, यही तो बात है बेटा। यह वेखो बाजार गया साडा मंडाला फुल होंदा सी, उन बंडाले रोड आज भी इतना तो रश है। यह रश ये कुछ भी नहीं रश, हाँ रश है। और आपा कह रहे हैं कुछ रश नहीं है अभी। कैसे है भाई? ठीक ठाक। ठीक है, काम कैसा है? काम शाम तो बेटा नहीं है, महंगाई इतनी है, देखो यहाँ से पाँव रखने में जगह नहीं होती, इतना रश होता था, अब तो रश ही नहीं है। हमने इतना माल डाला हुआ है, इतनी महंगाई है, आपके सामने ही है सारा बाजार, कोई चक्कर नहीं है काम। भाई जी हमारे भाई भी तो बहुत महंगाई कर देते, ईद पे कैसे खरीदे बाजियां चूड़ियां? हर दुनिया मजबूर है भाजी, क्या करें, परेशान है सारी दुनिया। हम भी जब माल लेने जाते हैं इतने इतने रकमें डाल के आते हैं, इतना माल डाला हुआ है, गाहक है नहीं है, सारा बाजार बेला पड़ा हुआ है, कोई चक्कर नहीं। बाजार जी दुकानदार शिकायत कर रहे हैं कि बाजार में उस तरह से काम नहीं है। कैसे भाई जी? ठीक है, लगा के बच्चे संभालने की जिम्मेदारी आपकी? हाँ जी यार। आज ही शॉपिंग कर? हाँ जी। तो चुप भी तो कराए? चुप क्या करें, मार खाई है इसने। मार खाई है? क्यों? कितनी शॉपिंग हो गई, कितनी रह गई? बस हो गई, चूड़ियाँ रह गई। महंगाई है या मुनासिब है कीमत? ठीक है, क्या नाम है, मुनासिब तो नहीं है पर ठीक ही है। हाँ जी चलें जी, बाजियाँ शॉपिंग करिए। ओ कैसे है भाई जी? अल्लाह का शुक्र। आपकी भी बच्चे संभालने पे ड्यूटी है जी, क्या करें फिर,
जाहिर है लेडीज ने शॉपिंग करनी है तो फिर बच्चे तो संभालने हैं साथ साथ। गुस्से से बच्चे संभालते हैं या आराम से रहेंगे? ये ड्यूटी है हमारी, बड़े प्यार से हम आते हैं। अच्छा भाई, बच्चे महंगाई है, ज्यादा खर्चा हो रहा है या ठीक? महंगाई बहुत है लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह दे रहा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं है कि बस शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का। कितना खर्चा हो गया अभी तक बाजी की शॉपिंग पे, अभी कितना और होने की उम्मीद है? ये तो 50,000 से ऊपर ही जाएगी अभी, अभी तो कपड़े सिलाई हो रहे हैं इनके, अपने तो और बेटों के मैं एंड पे खरीदता हूँ, वो नारकल ही जाते हैं। और ठीक है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और ये नई हुकूमत जो आई है ये रिलीफ दे रही है, चीज़ें नीचे आ रही हैं तो सही है, गुड विल। ओके ठीक है जी, इनको लग रहा है जी अभी सब कुछ ओके है। कैसे है भाई जी? कर अल्लाह का ठीक है। चूड़ियाँ सस्ती होगी महंगी होगी? चूड़ियाँ सस्ती हैं, बस ले कोई नहीं रहा। सस्ती हो फिर भी ना लें, ऐसा तो नहीं होता? नहीं ऐसा ही है, सस्ती है रेट, वही रेट है जो पिछले साल था, इसी साल है, सिर्फ 10 रुपए बढ़े हैं, पिछले 50 था 60 है बस, एक साल में इतने बढ़ ही जाते हैं। कारोबार कैसा है वैसे? शुक्र अल्लाह का ठीक है, अल्लाह का शुक्र है सारा कुछ चल रहा है, कारोबार भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। जूता पसंद आ गया, खरीद लिया? नहीं जी, ले रही हूँ पोतियों के लिए अपनी। मुनासिब है कीमतें या फिर ज्यादा है? बहुत जी, आजकल गरीब आदमी मरा पड़ा है बेचारा। कितने का होना चाहिए जूता, कितने का? बेटे अपने बच्चे बड़े करके ना, अब पोते पोतियाँ पाल रही हूँ, ठीक है ना, तो जाहिर है रेट में फर्क तो होना चाहिए, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा महंगा है। बच्चों की फरमाइश क्या क्या आई है, क्या क्या चाहिए उनको? जाहिर है हर चीज की जरूरत है बच्चों के लिए, ईद तो बच्चों की है, बड़ों की तो टेंशन है। भाई जी सस्ते जूते दे हमारी बहन को, दुआ करें। आप लोग बहुत सख्ती करते हैं। कल एक बंदे से जूता लिया 1,000 रुपए का मार्केट से, आज लेने के उसने 1,100 रुपए लगाया, तो आप क्या करेंगे? मार्केट में जा रहे जूता कल 1,000 रुपए का लाए थे, आज 1,100। अपनी अपनी जगह पे मर रहा है बेचारा, वो भी सही कह रहे हैं कि उनको पीछे से माल महंगा मिल रहा है, हम भी सही कह रहे हैं कि हमारी जेब में कुछ नहीं है, सारी दुनिया ही इसी तरह। लेकिन आपा ये लोग मजदूरी महंगाई बहुत कर देते हैं, इनको पता है ना ईद है, इनको पूछने के लिए कोई नहीं है ऊपर। आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। नहीं नहीं, मैं आपको कल बात बताया नहीं, कल जूता लेकर आया मैं 1,000 रुपए का, आज लेकर आया 1,100 रुपए का, तो मैंने कुछ सौ कमाया। बेचेंगे कितने का? 1,200-1,300 का बेच लो, कितने कमाई करें, 100 रुपए कमा लेंगे और क्या करें, दुकान का किराया भी है, बच्चों का खर्चा भी है, ये कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा ना। ये हालात हैं जी, दुकानदार अपनी कहानी सुनाते हैं और जो हमारी खवातीन है वो अपनी महंगाई की कहानी सुनाती हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी ठीक। क्या क्या खरीद लिया, क्या रह गया? अभी तो फिलहाल सूट ले हैं। अच्छा, कपड़े लिए हैं। मुनासिब कीमतें, महंगाई? महंगाई बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा। कितना बजट सोचा था, कितना बजट आउट हुआ? अभी तो कुछ नहीं, ऐसे ही जैसे है था जी। बच्चों के कपड़े हो गए? नहीं अभी तो कुछ नहीं लिया, सबने कपड़े बने, कपड़े लिए बस, एक सूट 5,000-5,000 का, तो बच्चों का क्या लेना। कपड़े महंगे, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे भाई जी? शुक्र अल्लाह का। कितने कितने की क्लासेस बच्चों की? सिर्फ 200 की। 200 रुपए की जी? 200 करे भाई साहब, क्या करें, शालमी से 50-50 की लाते हैं या कहीं पे भी नहीं है? आप जास वाले चले गए? नहीं मुझे पता है, मैं शालमी भी जाती हूँ। आप शालमी भी चल जाए, वहाँ पे भी नहीं है? नहीं, मुनासिब दे बहन को, बहन को मुनासिब हम से लेके गई हूँ, पहले भी लेके गई हूँ, पहले मुझे ज्यादा रेट में दी थी, अब मैंने कम लेनी है। आज मैं आपके साथ हूँ, जरा मुनासिब करा दी। 100-100 जो इन्होंने पहले बोला था। इतना लॉस नहीं होता, 350 की देते हैं इनको, 200-200 की लगाइए, जितने की लेके जाती है उतने ही। नहीं भाई 200 तो बहुत ज्यादा, कैसे 200 रुपए लगा? फिर मैं सोचूंगा। अभी सोच ले ना, हम आपको एक दो मिनट दे देते हैं। नहीं सोचा जाता, ना करें, रहम करें कुछ, आप लोगों ने तबाही की हुई है महंगाई पर। की हुई जिन्होंने की है उनको। नहीं भाई जी, जिसका जहाँ लग रहा है ना वो लगा रहा है, मुनासिब लगाते हैं। सब हमारे शुरू से एक ही काम है, फिक्स प्राइस का। हमारा शुरू से एक ही काम है, महंगाई करने का। ये है। कितने क्लासेस चाहिए आप?
मुझे दो ही चाहिए, मैं दो इनसे पहले ले चुकी हूँ, अब मुझे दो चाहिए और। तो पता ही है ना 300 की दी थी ये, मैंने कम लेनी है। कर दिया ये आपने 300 की बेच ली, आज 200 की, आज जरा रहम कर लिया ना। नहीं ओवर चार्जिंग करते हैं, ओवर चार्जिंग का कस्टमर टू कस्टमर आप सही सही वही बात आपकी जहाँ लग जाए। आज मुनासिब दे थे पहले, मुनासिब रेट नहीं कुछ और का। तो अब दो बहने हो, 200 पहले एक बहन थी अब दो हो गई, वो फिर ज्यादा लॉस हो जाएगा। नहीं लॉस नहीं तो होता, कारोबारी भाई को लॉस नहीं, आप ज्यादा लॉस खा रही है। ठीक है कर देते हैं 100-100 रुपए। हाँ डालो मैं दूँ, निकालू पैसे 100-100 कितने के लेके जाती है 100 दे। अब इतने पुराने कस्टमर हैं आपके तो फिर हमें तो कम हो गया, मेरा मार्जिन कम हुआ वो भाई जी। नहीं पहले आपने 300 की बहुत ज्यादा की है, वो बाजी का मुझे दुख हो रहा है। वो दो कह रही है, एक नहीं कह रही है, वो नहीं आपको पता चला 150 की कह रही है। 150 की कह रही है, मैंने तो कहा ही नहीं है 150। आपने मारा लॉस, अच्छे भाई भाइयों का लॉस नहीं है, 150 में लेके जानी थी। हाँ आज बाजी सख्ती के मूड में थी, मैं माइंड बना के आई थी कि इस दफा इनको 300 नहीं देने। अच्छा ईद की वजह से बैंक आई ज्यादा होती है, पड़ता है बिल्कुल पड़ता है। आपकी कितनी तैयारी होगी कम्प्लीट, सारी सारी आप कुछ अपने भतीजों और भतीजियों के लिए लेके जा रही ईदियाँ गिफ्ट? यस। ठीक है जी, चैलेंज इनका तो मामला ओवरऑल देखा जाए हमारा बाजार उन्होंने ले लिया, आप रह गई। अच्छा, मैं कौन सी क्लासेस खरीदूँ ये बताएं, आपने बच्चों की लेनी है अपनी लेनी है? बच्चों की भी है, आप कह रहे हैं ना, आप बताएं बच्चों वाली लगवा जो आप कहेंगे वही कर लेंगे। शुक्रिया भाई साहब, मेरे पास हैं क्लासेस जी और अंदर चलते हैं। ओ जूतों की दुकान पे खासा रश है और ये जितने भी जूते हैं ख़वातीन का बहुत दिन जाता है ईद पे, ये हील वाले बड़ी बड़ी हील वाले स्टोन्स वाले जूते पहनने को। और हर गुजरते दिन के साथ हम देखते हैं कि इतनी वैरायटी हो गई है, इतनी वैरायटी हो गई है, इतनी वैरायटी हो गई है कि अगर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स पे जो जूते आप नहीं भी ख़रीद सकते तो उनकी जो कॉपीज हैं वो आपको छोटे मोटे जो हमारे लोकल बाज़ार हैं वहाँ पर मिल जाते हैं और प्राइसेस भी मुनासिब होती हैं। आ जाइए जूतों की दुकान और हमारी बहनें जूतों की शॉपिंग कर रही हैं। और जूते कितने महंगे हो गए हैं ईद की वजह से या फिर मुनासिब है कीमतें, इनको क्या लग रहा है इन्हीं से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अपने जूते खरीद रही जी, मुनासिब लग रहे हैं, महंगे हैं, ईद का कुछ ये भाई जूता पसंद आया आप? कोई जूता पसंद आया जी? आया कौन से वाला? ये ग्रीन वाला जी। अच्छा तो क्या प्राइस भाई ने बोला? अभी प्राइस नहीं की गई, मैं बहन के साथ हूँ। आप बहन के साथ है तो भाई के साथ नहीं है? नहीं भाई तो मुझे तो मैं तो रोज प्रोग्राम करती हूँ, मुझे पता है भाइयों ने तबाही की हुई है ईद की वजह। ऐसे नहीं है, हम कस्टमर को मुनासिब प्राइस पे दे रहे हैं। हम अभी जब प्राइस पूछेंगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि भाई कितनी प्राइस में दे रहे हैं। बहन की जेब बताएगी कि कितने प्राइस में दे रही है, प्राइस पूछे जरा कि कितने में दे, क्या प्राइस है इसकी? 2800 रुपये प्राइस है। माय गॉड, इसमें कोई ऐसी खास बात लगी हुई है? प्लास्टिक सोल नहीं है, शीट सोल का होगा, उसकी प्राइस कम होगी। मुनासिब है या महंगा है? मुझे तो बहुत महंगा लग रहा है। आप लोगों ने भी कसम उठाई हुई है डबल डबल रेट लगाने? हमने कसम नहीं खाई हुई बहना, ये मार्केट में बाजार जाती हूँ भाई, मैं भी लड़की हूँ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी प्राइस आपको भी पता है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, बात करने से होती है, ऐसे तो नहीं ना होती। नो, मुझे तो बिल्कुल ये 2800 वाला जूता है का होना चाहिए, सही दिल से बताएं आप 700-800 भी कहेंगे? तारीफ बोलना था फिर आगे ऊपर से 1200, कितनी सोच मिलती है। आप 800 भी लगा दें, नहीं 1200 नहीं होगा आपके लिए, इसका लास्ट आंसर 2000 रुपया होगा। नहीं भाई जी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा प्राइस। मुनासिब करें, बहन को जूता दे के भेज, मैं देकर भेजूंगा, खाली आदमी भेजता, ये भाई ऐसा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह देकर भेजूंगा मैं, खाली आदमी भेजता मैं। रोजा रखा हुआ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रोजा नहीं कभी छोड़ा। डबल प्राइस मांगते हैं या उससे ज्यादा? नहीं रोजा है आपका जी? बिल्कुल बहना, मुनासिब प्राइस रखी हुई है। आप भी पता है कि जो हालात चल रहे हैं, दुकान का किराया निकालने के बहुत मुश्किल होती है,
अब कस्टमर एक चीज़ की प्राइस हमें 800 लगा देते हैं फिर भी नहीं हम माइंड करते, अगर हम कस्टमर को ज़्यादा बताते हैं कस्टमर हमारी बात माइंड करते हैं। मैं खरीद लिया, ये आपका भी कोई जूता? इन्हीं के साथ हैं, इन्हीं के साथ हैं ये, बस इन्होंने लेना ही, आपने भी खरीद लेना। चले बताएं बहना क्या देना आपका? 1200 नहीं होगा, कुछ मुनासिब बात करें मैं भी दे देता हूँ, आप भी ले जाएँ। बहन चली जाएंगी फिर आप पीछे से आवाज़ें मारें? मेरी आदत नहीं है पीछे से आवाज़ देना, अच्छा नहीं लगता, जो बात यहीं पे हो जाए वो अच्छी बात है। ऐसा होता है ना, उठ के जाओ फिर बाजी सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले बाजी। बस टाइम नहीं आई है मेरे पास, इनसे पूछे मैंने कभी पीछे से आवाज़ भी नहीं दी। फिर बताएं क्या फाइनल? क्या देना फाइनल? फाइनल आपने इसका 1800 देना। नहीं, नहीं भाई साहब। बहना आप भी थोड़ा नहीं भाई साहब कर रहे ना, लेकिन आप बहना के साथ मिल गई हैं। मुझे पता है आप लोग बहुत प्राइस लगाते हैं, मैं तो बहन की तरफ से नहीं है, हम प्राइस ज़्यादा लगाते हैं। दोबारा इतने नहीं आना, हर बारी जब भी ईद आती है आप लोग ऐसे महंगाई करते हैं। ऐसे नहीं करते हम आपके लिए बहना, ये भी सिर्फ आपकी तौर पे मैं इन्हें दे देता हूँ, ये 1500 रुपए की मिलेगी, बहना की स्पेशल ओनर है। 1500 आपके लिए, अगर इससे ज्यादा गुंजाइश होती वो भी देना। चले आप 1300 करते हैं, अब तो 1300 मना, 1300 नहीं होगा, 1500 फाइनल होगा इनके लिए। इंटरव्यू आपका मैं वैसे भी ले लूंगी, इसलिए तो नहीं खींच रहे। कोई बात नहीं आप लें, टीवी पे आप वैसे भी आ जाएंगे। बोलें फिर, मैंने 1500 फाइनल कर दिया, इस 1300 रुपए आप बस ठीक नहीं होगा, वो नाराज होके चली जाती, नाराज होके नहीं जाती, उन्हें पता है कि मुझे जूता अच्छा लगे उन्होंने लेके ही जाना है। आपका बजट होगा तो आप लीजिए, नहीं है ना बात ना करेंगे, बजट नहीं आया आपके तौर पर, उन्होंने 1300 ही देना है, मैंने इतने ज्यादा देने भी नहीं थे, 1500 रुपए फाइनल लेना है ठीक है। तो सब बाजियां नाराज करके भेजते जाए भाई, ऐसा नहीं है आपको पता, ये मिडिल क्लास लोगों का लोअर तबके का बाजार है, आपको इतना पता होना चाहिए, तो फिर उसके हिसाब से कितनी कमाईयां हैं, कितनी महंगाई है, लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा है, बाकी पैसे नहीं निकालते, बिल्कुल ऐसा हकीकत बात है। दे रहा हूँ बहना आपको, प्राइस क्या बताइए मैंने, चलो फिर 1300 रुपए फाइनल बहना, 1300 नहीं 1500, अब फिर ठीक है बस इतने नहीं बताने, डिजाइन और दिखा देता हूँ नॉर्मल प्राइस में दिखा देता हूँ, लेकिन नहीं सूट के साथ मैच है जी, इसी वजह से तो लिए, वैसे ये फाइनली हम 1800 का दे रहे हैं। जो ऑड कलर्स होते हैं ना भाइयों को पता लग जाता है, अगर ये बाजी ग्रीन सिंह जूता ले रही है ना तो ये सूट के साथ मैचिंग होगी, ये ही मैचिंग करके ड्रेस के साथ जूता लिया, मेरे पास माशाल्लाह 8 कलर लगे हैं इसके, उन्होंने मुझसे निकलवाया एक पीस, फिर दूसरा मेहरून वाला पीस, पहले इनके दो साइड में है, एक ये वाला और एक ये वाला, आप दोनों ही ले लें 1200-1200 ना करें भाई, का नुकसान करके जाना है, मैं साइज छोटा है उसका साइज जी, फिर क्या फाइनल 1500 रुपये पहना भाई साहब, बहुत सख्त है भाई, बहुत सख्त ना, यकीन करें कि ये ले रहे हैं, बहुत सख्त नहीं मुनासिब सा मार्जिन नहीं होता, बंदा वो ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता, दोस्त करके कोई देगा, उस प्रोग्राम करती हूँ, आप जैसे भाई मान जाते हैं कि हम बहुत महंगाई करते हैं, हम बहुत महंगाई नहीं करते, मुनासिब सा मार्जिन लेना, जो राइट बनता वो लेना है, फॉर एग्जाम्पल 1200 की आई है, 200-300 हमारा हक बनता है, वो हम लड़के बहस करके जैसे मर्जी लें वो लेंगे, लड़ भी पड़ते हैं, वो प्यार वाला लड़ना है बहनों के साथ, ज़्यादा बहस कर लेती हैं या थोड़ी करती हैं? बहुत ज़्यादा करती हैं, बाजियों ने नहीं करनी और भाइयों ने करनी है, आप लोग भी वैसे उतनी करते हैं उनके साथ, ऐसे हो गए हैं ना उनको डील कर करके, आपको पता तो है फिर। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? जूते मुनासिब बाजार में चीज़ें या महंगे? महंगे बहुत ज़्यादा, सारी चीज़ें महंगी? हाँ जी बहुत ज़्यादा, महंगाई इतनी हो गई है या ईद की वजह से भी ये भाई? नहीं हम लोग तो फर्स्ट टाइम है, कोई डील या नाराज करके भेज? नहीं नाराज नहीं करके भेजता मैं, आप देना पैसे 1300 रुपए, वो तो मैं दे रही, मान नहीं रहे, कह रहे नहीं आप देंगे कैसे है? आप अपनी पॉकेट से, बस 1 रुपया नहीं, मैं तो मेहनत मजदूरी कर रही हूँ भाई, तो हम भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं ना, यहाँ पे खड़े होके कारोबारी भाई हैं, लेकिन कारोबारी यहाँ पे मैनेज करके बिल भी वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से मैनेज करना पड़ता है, अब 200 में इसमें मार्जिन ले रहा हूँ, इतना मेरा हक बनता है कि नहीं बनता वो मैंने झगड़ के लेना है, बिल्कुल जी, ये हर दुकान की, चाहे वो कपड़ों वाली दुकान है, जूतों वाली दुकान है, चूड़ियों वाली दुकान है, वहाँ पर यही सिलसिला, यही बेस्ट तकरार आजकल चल रही है, क्योंकि हर बाजी जो है वो अपने बजट के मुताबिक शॉपिंग करना चाहती है, और जो हमारे दुकानदार भाई हैं उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ईद पर कमाई की जाए। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं।
भाई जी कितने पैसे दिए? अभी तो कुछ भी नहीं दिया। फाइनल हो तो क्या? फाइनल मैंने 1500 कर दिया ना इसका, तो मैं दे रहा हूँ 1500 में, क्योंकि ये मैंने फाइनल 1800 में देना था। 2800 भाई ने बोला और अब 1500 पे आ गए। आप चेक करें जरा, 800, 9, 10, 11, 12, 1300 रुपए इन्होंने ज्यादा मांगे हैं। 1300 रुपए लेडीज से मांगेंगे ना, अगर हमने इसका 2000 रुपए लेना है तो कस्टमर ने मुझे 800 रुपए लगाना है। तो बाजियों को मेरा ये मशवरा है कि कोई भी चीज खरीदनी है तो ये भाई उसकी डबल प्राइस मांगते हैं, इसलिए फौरन से पहले जो है वो कम से कम रेट लगाएं, क्योंकि चीज इनकी है, इन्होंने अपना रेट बताना है, आपने अपनी जेब के मुताबिक। ये बहन मुझे आवाज दे रही थी कि उनका जूता सस्ता हो गया, हमारा भी सस्ता कराए मैं आपके पास आ गई। आपने कौन सा जूता? मैं वही उसी में ब्लैक देख रही थी, ले ले फिर रेट बनाओ, मैं इनका रेट देखती हूँ क्या है, तो फिर उसी हिसाब से लूंगी। तो ये फायदा हो जाएगा। आपको ओवरऑल कितनी महंगाई लग रही है इतनी ज्यादा? ये बुत्ती इजाजत नहीं देती। नहीं, बहुत ज्यादा। बच्चों के जूते? बच्ची की देखी है हमने। तो बच्चों के क्या प्राइसेस बता रहे? की भी ज्यादा ही है। क्या प्राइस भाई जी? साइज आ गया था, चेंज करवाने आई है, ये ठीक लग रहा है। ओके, बच्चों की शॉपिंग, खवातीन की साइज चेंज करवाने आई है। ठीक है जी, बच्चों काम भाई सब ज्यादा है या कम हुआ है महंगाई? कोई फर्क नहीं सर, बहुत काम में फर्क पड़ा है, जो पहले ईदे जो पहले दिन होते थे वो सीन नहीं है। यानी लोगों में वाकई ही बाइंग पावर जो है वो बहुत कम हो गया। बहुत कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया महंगाई की वजह से। हर बंदा नहीं बोल कर पा रहा, जो ले रहा मजबूरी है, लेना है, करना है। तो सबका चाहता है ना अच्छे अच्छे जूते पहनने का, अच्छे अच्छे कपड़े, लेकिन अफोर्ड नहीं हो। ऐसी है, ऐसी है। रीजन क्या है, महंगाई क्यों हो गई इतनी ज्यादा? रीजन आपके सामने मुल्की हालात है, उसकी वजह से बुरे हालात हो गए। ठीक है जी, मुल्की हालात है जी रीजन। कैसे है भाई जी? दे दे भाई, 150 कर दो। नहीं कर दे भाई, हम तो मना लेंगे भाई। वो मना ले, देख लिया था बात, अगर कहेंगे इनका डर हो तो वो नहीं है। नहीं, नहीं, डर किस चीज का भाई साहब, डरेंगे क्यों, आपका कारोबार। वो कह रहे हैं कि आ गए हैं तो दे दें जल्दी। उन्हें पता है मैं बाजियों का साथ दे रही हूँ ना। ठीक है, मैं बाजियों की साइड पे हूँ। आपकी साइड पे भी हम आ गए, हमने उन्हें पैक करके दे दी है। हो गए मैनेज? ओके जी, हो गया, हो गया जी। महंगाई है, ईद की शॉपिंग आसान है मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आसान कहाँ है ये भाई। बस अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। ज्यादा नहीं है जितनी कस्टमर समझते हैं, मगर ये रूटीन वाइज आपको लगता है कि हम लोग ज्यादा पैसे ले रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जितने भी कस्टमर आए वो कुछ ना कुछ लेके जाए, वापस ना जाए, क्योंकि भाई साहब हमारा ना मिजाज है, हमारा एक ना मुल्की तौर पर हमारा मिजाज है। आप देखें रमजानुल मुबारक में सब्जियाँ फल महंगी, वही केले का रेट जो है वो सारा साल हमने 70-80-100-150 देखा, अब 200-250। हाई लेवल पे जो माल आ रहे हैं वो लिस्टें चेक करें, लिस्टों के बगैर अगर आप सामान ले रहे हैं तो वो आपको महंगा ही मिल रहा है। तब गवर्नमेंट चेक करना शुरू कर दे तो मसाइल ही हल हो जाए सारे। तो ये तो सारा काम ये है। ये बात तो ये है कि ये सारा काम तो गवर्नमेंट का है ना, हम लोगों ने तो जो हमें उन्होंने 500 की चीज़ें दी, हमें 510-20 रुपये की बेचनी है, 10 तो कमाने हैं। जब गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती तो फिर सब लोग आज़ाद हैं, जितने की मर्जी आज़ाद हैं, फिर जो मर्जी हो रहा है होने दें, फिर तो ये बात हो गई है। महंगाई टूटेगी आने वाले वक्त में, क्या लग रहा है? उम्मीद तो है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नीचे आई हैं, हम लोगों की भी नीचे चीज़ें आई हैं, उम्मीद है कि महंगाई टूटेगी, मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारा ये नहीं कि ये गवर्नमेंट जो है ये अच्छी नहीं है या बुरी है, हमें तो सस्ती चीज़ें चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट हो, आसानी चाहिए जिंदगी, आसानी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में जो है हम दूसरे बहन भाइयों को उन खुशियों में उनको साथ दे सके। उन्हें ये ना कहे कि भाजी आप भाग जाए, हमने ट्राली वाली कीमत बता दी आपको। हमारी कोशिश ये है कि वो लेके जाएं, वो उनकी खुशी में उनका साथ दें। ठीक है जी, बड़ा प्यारा सा दुकानदार है और है छोटा सा, लेकिन काम आजकल बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं, कमाइयाँ बहुत कर रहे हैं जी। ऐसा ही है जी। क्या नाम है आपका? फरहान इलियास। फरहान इलियास भाई, सुबह से कितनी कमाई हो गई है? काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अल्लाह ज़्यादा करा दी है। अच्छा, मुलाजमत कर रही हो इधर या अपना स्टॉल है? नहीं नहीं, मुलाजम कर रहे हैं। अच्छा जी, तो जूते शूते भी बेचते हो या बस बाजी का ही? नहीं बस बेच ही रहे हैं। बेच रहे हैं? सस्ते हैं महंगे? महंगे हैं, सही है, मतलब नॉर्मल है। अच्छा, ये कितने का जूता है बच्चों का? ये 550। और कम करके कितने का हो जाएगा? कम नहीं हो रहा, यही फिक्स प्राइस है। बाजियों को कैसे बुलाते हो वो बताओ जरा, वो सुन के हम आपके पास आए। नहीं नहीं, अब नहीं, रहने दे। क्यों नहीं? वो भी समझे, बाजियां ही देख रही हैं आपको।
नहीं नहीं वो काम नहीं हुआ ना ऐसे। काम नहीं होगा? नहीं। क्यों? पता नहीं बस। कहते क्या हो वैसे? बाजी पहनना वेना वो डिजाइन। जोर से बोलो ना जैसे आवाजें लगाते। नहीं नहीं डबल माइंड नहीं हो। डबल माइंडेड हो गए हो क्यों? मुझे बाजी समझो ना, मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, मुझे बुलाओ कि भाई आए हैं बाजी। ए बाजी पहन नवे नवे डिजाइन चेक करके लेके जान, आए भी आए जल्दी आए, मतलब इतने। और बस बस बाजी नाराज होती है या फिर आ जाती है? नहीं आ जाती है। नवे नवे कौन से डिजाइन है आपके पास जरा मुझे भी दिखाएं। काफी चीजें हैं, ये नए नए डिजाइन है। तो सारे पुराने लग रहे हैं? नए हैं, चेक करें। हाँ नए डिजाइन है। गला नहीं खुश्क होता? होता है काफी। कितने बजे आते हो सुबह? मैं सुबह 10 बजे। 10 बजे कितने बजे तक इधर? 12 1 बजे रात को। जी अच्छा, और कितनी कमाई? अभी पक्का नहीं है, बताया नहीं है। बताया नहीं? बताया ही नहीं? नहीं। क्यों? अभी नहीं ना आया, आज ही नहीं आया हूँ। पहले कहाँ होते थे? पहले घर ही होता, पढ़ाई करता हूँ ना 7 में। तो इतनी आवाज़ें एक ही दिन में किसने सिखा दी आपको? नहीं नहीं ऐसे ही लोगों से, लोगों भी लगाते हैं ना फिर हम ऐसे ही इधर उधर से सुन के। जी ठीक है, छोटे छोटे बच्चे भी काम पे हैं, वालिदैन मजबूरन इनको भी काम पे लगा देते हैं। और बाज़ार में रश देखिए, कैमरामैन भाई ज़रा दिखाइए कि बाज़ार में वाकई बहुत रश है, लेकिन दुकानदार भाई शिकायत कर रहे हैं कि अभी वैसा काम नहीं है जैसा कि पहले कभी हुआ करता था, लेकिन बाजार में वाकई बहुत रश है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बाजी। ठीक है, बड़ा गाहक है कौन, लोगों का पैसा है कौन, मजबूरी होती है। मैं तो खुश हो रही थी कि आज बड़ा रश है, बड़ा काम है आपका। काम तो है, जुड़े सुबह 2-3 बेचे हैं सारे, काम तो है कौन। सेल लगाई हुई है या मुख्तलिफ रेट है? सेल लगाई 500। 500 का लोग नहीं खरीद रहे? हाँ लोग इतने मजबूर हैं। अंदर 300 लगा लो बाजी, बाजी 300 लगा लें, दस क्या करें। 450 की खरीदी आपने, 400 रुपये रख रहे हैं और वो भी लोग उससे भी कम करा रहे। हाँ जी। अच्छा वैसे ईद पे इतनी क्यों महंगाई हो जाती है? ईद पे क्यों इतनी महंगाई हो जाती है? पहले रमजान में फिर ईद पे क्यों इतनी महंगाई? महंगाई तो होती है, सब लोग खरीदते हैं ना, तद वास्ते महंगाई होती है, मटीरियल हर महंगा हो जाता है। काम थोड़ा? हाँ जी गुजारा हो। लोग ज़्यादा है जी, काम कम है, ये बुजुर्ग हमारे शिकायत करें। ओ खुशबुएं, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए, पूछ लो क्या पूछना है। क्या खरीदारी हो रही है जी? अभी तो आए हैं, अभी तो उतरे हैं, अब तो धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं। हम तो रिक्शे से उतरे हैं अभी तो। आज पहले दिन ही बाजार आई या पहले? नहीं, दूसरा चक्कर है अभी तो, अभी तो बड़े लगने हैं। पहले क्या खरीदा? पहले भी बच्चों के कपड़े खरीदे, अब आज अपनी शॉपिंग करने आई हूँ इसलिए। क्या है जहन, क्या बना के आई है? महंगाई होगी या मुनासिब चीजें मिलेंगी? पता नहीं, देखे क्या होता है, महंगाई होती है, जो भी होगा लेके तो जाना ही है ना, चाहे महंगा भी लेके जाना है। हाँ कपड़े तो लेके जाने, ऐसे तो नहीं ना रहना, ये कपड़े पहन के तो इतनी पड़ी जानी, ये बात है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, चाहे महंगी है सस्ती है, खवातीन बता रही है कि शॉपिंग जरूरी है। अल्लाह देओ बंदे हो, इधर आओ, पढ़े लिखे भी ये पास नाते धोते मन तो मन डिजाइन, इधर आओ, आयो आयो आयो, लेडीज चप्पले नया माल ले डिजाइन, इधर आओ। अल्लाह देओ बंदे हो, साढ़े 600 साढ़े 700 ही सेल है ना, सस ना सोहरा भी है भी जुत्ती का जोड़ा लैके जाओ, कितने जा रहे हो? साढ़े हल वेखो अभी इतने हाँ, तुम बुरी टूरी जा रहे हो, थक जाओगे, हो सुनाओ कितने जा रहे हो? आप नहीं थकते भाई? हम नहीं थकते, हम पके हुए हैं, हमने थक के की लैना है जी, दसो थक के की लब जाना, काम करांगे तो कुछ लभेगा, काम करने के बगैर कुछ लभदा दुनिया से? काम करके ही मिलेगा ना, ऐसे तो हम वेले बैठे कोई गाना भी नहीं देता, चाहे वो रिश्तेदार है चाहे घर वाले हैं। वेला तो बैठना ही बुरी बात है ना, वेला तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ जी काम करना जरूरी है, भाई की अपनी दुकान है, मुलाजमत करते हैं। मैं मुलाजिम हूं यहां पे, मुलाजिम यही ड्यूटी है आपकी? नहीं मैं नीचे होता हूं सेलमैन हूं मैं। तो आज शोर मचा रहे हैं भाई खड़े? नहीं वो जब वो रोजा रखा होता है ना स्टाफ ने, स्टाफ जब थक जाते हैं तो फिर मैं ऊपर आता हूं। और बाजियां कुछ कहती नहीं है कि आप बड़ा शोर मचाते हो? नहीं बाजियों ने आगे होके रास्ते रोकते हो? नहीं मैं आगे हो गए रास्ता कभी नहीं रोका मैंने, ठीक है ना, कभी बदतमीजी की है, जैसे मेरे घर में माँ बहन है सब मेरी माँ बहने हैं, हमने कभी गलत आवाज नहीं लगाई, गलत नज़र से किसी को नहीं देखा, ठीक है, अच्छी आवाज़ लगाते हैं कि अगर कस्टमर देखे भी तो देख के देखते साथ ही आ जाए हमारे पास, नहीं भी लेना ना वो फिर भी आवाज़ सुन के आ जाता है।
ना चाहते हुए कुछ ना कुछ ले ही जाता है। पक्का? पक्की बात है। इतना यकीन है खुद पे? हाँ, इतना कॉन्फिडेंस है अपने पे। जूते महंगे हैं सस्ते? जूते सस्ते भी हैं और महंगे भी हैं। इसकी वजह से महंगाई हुई है कुछ? हमारी सेल में तो नहीं हुई, बाकियों का पता कुछ नहीं है। हमारी वही सेल है, 15 साल से हमारी शॉप है ये। कितनी कमाई आपकी दुकान की? नहीं पूछ रही, मुलाजम भाई की पूछ रही। दिहाड़ी मिलती है या महीने की मिलती है? मैं दिहाड़ी लेता हूँ। दिहाड़ी कब से इधर हो? मैं 2 माह से इधर हूँ। पहले कहाँ थे? मैं पहले रिश्का ड्राइवर था। क्यों छोड़ा वो? रिश्का इसलिए छोड़ा कि रिश्का बाहर बहुत ज़्यादा हो गया है, रिश्के में इज्जत नहीं मिलती। नहीं कमाई हो रही उसकी? जो कमाई 5 साल पहले थी ना, वो अब कमाई नहीं है। रिक्शा कब से चला रहा था भाई? मैं कम से कम भी मुझे 1.5 साल हो गया, मैंने रिश्का छोड़ दिया हुआ है। अपने 2 रिश्के से बेच दिए, वो पैसे मैंने रखे हुए हैं, थोड़े से पैसे और जमा कर रहा हूँ कि मैंने सऊदीया जाना है भाई। बाहर क्यों जाओगे? जूते कौन बेचेगा? बाजियों को कौन बुलाएगा? कोई ना कोई और भी आ जाएगा, जरूरी नहीं है मैं नहीं बेचनी है। सऊदीया क्या करोगे भाई? चाचा सऊदीया जाके मैं एसी पे रिंग का काम करूँगा या ड्राइव करूँगा, ड्राइव मैंने सीखी हुई है। पाकिस्तान से क्यों जाना चाहते? पाकिस्तान आवाज़ आ रही मुलक गुरबत इतने बड़ी हक लाल दी करके भी पूरी नहीं जो पीती है, तुम सही दसी है। कई बंद ऐसे भी है कि 3-3 काम भी कर दें तो नहीं पूरी पीती। मैं डबल काम करना, मैं दिन इतने हूँ रात टाइम रिश्का चला रहा हूँ। अच्छा, 2 काम अभी भी? हाँ, अभी भी मैं 2 काम करता हूँ। कितने बजे आते हो सुबह? मैं सुबह यहाँ पे 9-10 बजे आता हूँ। 10 बजे रात कितने बजे तक इधर? मैं रात यहाँ पे कुछ 12-1-2-3 बज जाते हैं। रिक्शा कब चलाते हो? रिक्शा यही 2-3 फेरे लगाते हैं, लगभग रोजी दे देते हैं। तो इतनी लंबी दिहाड़ी के बाद कितनी कमाई? कितनी कमाई? 1000 रुपया यहाँ से ले जाता हूँ। 10,000 रुपये? हाँ, 1000 रुपये यहाँ से ले जाता हूँ। 500 रिश्के वाले को देता हूँ, 1000-1500 मुझे वो उससे मिल जाते, यानी कि डबल काम करके 2500-3000 मैं पकड़ लेता हूँ। 2500-3000 में भाई पे कितनी जिम्मेदारी है? आसानी से चलता है इतना काम करके आपका घर या फिर भी मुश्किल? वालदा मेरी ठीक नहीं है। ठीक है, मेरी वालदा को 4-5 बीमारियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, पापा सेहत दे, पापा की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, बड़े भाई की शादी की है वो सेपरेट हो गया है। ठीक है, 3 बहनों की शादी करनी है, 1 छोटे भाई की है, मम्मा की दवाई है, किराए पे रहते हैं हम। सब आप पे जिम्मेदारी? सब मैं जिम्मेदारी, दूसरे नंबर पे मैं हूँ। बड़ा भाई चला गया बस शादी करने? वो शादी की है उसकी, साथ था मैं भाई के साथ जॉब करता था, कम से कम जो उनसे जॉब करते थे उसमें हम 1.5-2 लाख कमाते थे। क्या कारोबार था? सेबे का काम था, ये वाली डोरी का। छोड़ दिया? क्या इसलिए दिया कि वो मालक को कारीगर की इज्जत करनी भूल गया था वो, मैं इसका कारीगर, मैं ठेकेदार था। ठीक है, मेरे पास 2 लड़के होते थे, मैंने सैलरी देता था मैं उसको, मैं भी 1,20,000-30,000 में भी कमाता था। जब वो उसने बदतमीजी की, गाली निकाली, मैंने छोड़ दिया उसे, क्योंकि ना मैं गाली निकालता हूँ ना गाली सुनता हूँ। सऊदी अरब जाओगे? क्या सऊदी अरब जाओगे? हाँ, आप सऊदी अरब? अरे नौजवान बाहर ही जाने के चक्कर में है, बाहर ही जाने के चक्कर। फिर क्या करें, यहाँ पे पूरी नहीं पड़ रही आपकी, सीधी बात ये है कि निज़ाम नहीं चल रहा, क्या करें? यहाँ पे डबल काम करके निज़ाम नहीं चल रहा, वहाँ पे चलो सिंगल काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो हासिल होगा कि नहीं। चलो कभी ऐसा हुआ कि कोई बाजी लड़ पड़ी हो यहाँ पे कि ये कैसी आवाज़ें लगा रहे हैं? नहीं, कभी भी नहीं हुआ इंशाल्लाह, कभी होगा भी नहीं ऐसा, क्योंकि हम आवाज़ गलत नहीं लगाते, आवाज़ सही लगाते हैं, क्योंकि रिश्का ड्राइवर है ना, क्योंकि सबको आप ही भाई आंटी माँ जी चाचू सबको ऐसे करके बुलाते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये मना है, आप ऐसी आवाजें लगा नहीं सकते बाजार। अब क्या करें फिर, दुनियादारी का दस्तूर है। किसी भी बाजी ने शिकायत कर दी ना 15 पे पुलिस को, तो आपको थाने की हवा खानी पड़ सकती है। कोई बात नहीं, ऐसे जाएंगे ऐसे वापस आ जाएंगे। इतनी तगड़ी पहचान है आपकी, चाहते रहते हैं थाने। हां जी, 2-3 बार गया हूं लेकिन ज्यादा देर नहीं रहा। अच्छी अच्छी बात तो नहीं है? नहीं, वो ऐसे ही एक दो मकसद, कोई फखर की बात नहीं है। कहने का मकसद ये है कि वो काम मैंने नहीं था किया, फिर भी मैं साथ चला गया। वो लड़कों ने बोला मेरा नाम लिया तो मुझे भी उठा लिया उन्होंने, फिर उन्होंने पूछताछ की, उन्होंने पता ये चला कि लड़का ऐसे का नहीं है, उन्होंने दस्ती छोड़ दिया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मेरे कज़न वगैरह कज़ने यानी कि लड़कियाँ लड़के सब पुलिस में हैं, मेरा पापा खुद भी पुलिस में था। पुलिस तो फिर आपके घर की है, कॉन्फिडेंस चेक करें जरा। लेकिन कैसे भाई जी? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। ठीक है, बाजार खैरियत से? हाँ ये बात जी जी। क्या क्या खरीदारी होगी, क्या रह गया? मैं अपनी बेटी के लिए चूड़ियाँ लेने आया था। तो बेटी को क्यों नहीं साथ लाए? बेटी स्कूल गई हुई है। कितने साल की हो रहे हैं? 13 साल। माशाल्लाह 13 साल की। तो चूड़ियाँ अभी लेने जा रहे हैं? नहीं ले ली है मैंने, मेरे पास इतनी है। हाँ जी, मुनासिब कीमत या ज्यादा? नहीं, कीमतें पहले से कुछ बेहतर हैं, पहले से कुछ थोड़ी सी ज्यादा है।
प्राइसेस। हाँ प्राइसेस। तो बेटी के कपड़े जूते सारी फरमाइशें हो गई, उसने खुद पसंद किए हैं और कुछ ज्वेलरी वो ले गई थी तो चूड़ियाँ मैं चाहता था मेरी पसंद की पहने हैं इसलिए मैंने चूड़ियाँ लेकर खुद लेने आए। अपनी शॉपिंग होगी भाइयों की? बेटे हैं मेरे माशाल्लाह जवान है, भाई तो गाँव में है। आपकी अपनी शॉपिंग? हाँ मेरी हो गई, मेरी हो गई, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा उसकी वजह से थोड़ा मुश्किल हुआ है। क्या काम करते हैं? मैं एडवोकेट। एडवोकेट है, आपको भी महंगाई लग रही है? बस है ना, जब जायज़ काम करना हो, मुनासिब चीज़ें लेनी हो, लोगों का ख्याल करना हो तो फिर मुश्किल होता है। ठीक है जी, महंगाई मरियम नवाज ने भेजा साढ़ू किसी ने मिले ही कुछ नहीं मिलिया। बाजार जाइए आटा लैन काट बहाओ जी, 20 किलो आटे नाल महीना लंघदा, 7 बच्चे खाने वाले हो, 2 जी असी आप हाँ, 20 किलो आटा एक महीना लंघदा और 4 दिन च मुक जाता, कि निके निके बच्चे हो खाने वाले। ऐ की है साडा सहूलत, साढ़े गरीबों वास्ते कोई सहूलत नहीं गी, ना इमरान खान ने दी है ना नवाज शरीफ ने दी है। मरियम नवाज बड़े कहती सी गरीबों की मदद, गरीबों की कीती सी मदद? कोई मदद नहीं कीती साडी, कुछ नहीं कीता, साडे घर ते बिल्कुल ही नहीं पहुंचिया। मेरिया बच्चिया ने बंदे नशे निकले ने, उन्हें वास्ते भी कुछ नहीं मिलिया। अच्छा भैना, क्या 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 बाजार क्या खरीदने आई है? कुछ है? कुछ भी नहीं, कुछ पल्ले का खरीदा, हाँ की खरीदना आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक है शुक्र अल्लाह का। ठीक है, ईद की तैयारी हो गई? हो इंशाल्लाह ताला हो गई। बाजार में खूब रौनक है। ये मेरा सदर का खबर वकास भट्ट, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत प्यार करता है, इसने पहले ईद की तैयारी करा दी हमारी। बाजार में बड़ा रश है लेकिन शिकायत भी आ रही है कि महंगाई है, महंगाई। महंगाई कोई नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। किसी की जेब में 50-50, 20-30 हज़ार रुपया होगा। हर आदमी सौदा खरीदने के लिए आती है, लेडीज जितनी भी है सब सौदा खरीदने के लिए आते हैं, सब झूठ बोलते हैं। के पास 50,000 रुपए हैं? 40-40, 50-50 हज़ार का शॉपिंग करके जाती है इधर से, कौन कहता है पैसे नहीं है? तो सारी खवातीन शिकायत झूठ बोलती है, सब झूठ बोलती है। अपने आदमियों से पैसे लेके आती है बाजार में, सौदा खरीदती है। देखो ये बेवजूल भी नहीं है, ये सौदा लेने के लिए आई है, 2-2, 3-3 हज़ार का तो मेकअप खरीदती है इधर से। वो देखो ना वो पीतल वाला सामने, इसकी गला ली आई है कल 6,000 रुपए की, वो परफ्यूम वगैरह ले गई इधर से, झूठ बोलते हैं सब। महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं है, सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है, सबके पास पैसे हैं, सब सौदा लेने के लिए आते हैं। ये देखो ना कितनी लड़कियाँ, कितनी औरतें, कितनी माएँ बहनें हमारी इधर सब आते हैं, सौदा लेके चली जाती हैं, झूठ बोलते हैं। हमारे सिक्योरिटी गार्ड भाई हैं और इनको लगता है जी बिल्कुल महंगाई नहीं है और आवाम के पास बहुत पैसे हैं और आवाम खूब शॉपिंग भी कर रही है, लेकिन हमारी बाजियाँ महंगाई का शिकवा भी करती हैं कि ईद की तैयारी करना अब मुश्किल होकर रहती है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।